people make fun of us in world cricket. They don't get it. But I don't know. हमसे तो ये पूछते नहीं. अच्छा ही है दूर है पाकिस्तान क्रिकेट से. Blessing in disguise because it's just criticism, politics. सीमा करन की एक statement आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूँ. उन्होंने बोला कि वैसे तो मुझसे वो पूछते नहीं है, जो फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है. वसीम अकरम तो कह रहे हैं भाई दुनिया हंस रही है हम पे. नहीं ठीक बात कर रहे हैं ना भाई, हंस रही है दुनिया, आपके कप्तान को भी हंस रही है, दुनिया आपके कप्तान का मजाक उड़ा रही है. अल्लाह तू दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है मैं जानबूझकर लोगों को जलील नहीं करता. ये मुझे प्रवोक करते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है. इसलिए अब मोड उस पे खड़े हैं हम के डू और डाई वाला सिचुएशन है. हम यहां से बेहतर ना हुए तो हम गहरी खाई में गिरेंगे और ऐसी खाई में गिरेंगे जहां से ऊपर उठना फिर सालों का काम रह जाएगा. इसका इलाज क्या है? पूरी टीम आउट हो जाए और नई टीम आए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस पे अगर हम किसी की एबिलिटी को बेस कर रहे हैं, मतलब आयरलैंड के खिलाफ भी मैच सामने ही है, उसी में आपको नजर, नोबडी परफॉर्म्ड, ये सारों को एक साथ कैसे कुछ हो सकता है? क्या बाबर आजम की कप्तानी इस काबिल थी? अगर बाबर आजम की इतनी सी भी, मैं कह रहा हूं कि एवरेज कप्तानी, बिलो तो है ना, बिलो एवरेज कप्तान है, एवरेज से भी पुअर क्लूलेस कप्तान है. अगर ये बिलो एवरेज कप्तान भी होते ना, बिलो एवरेज, पाकिस्तान सुपर एट खेल रहा होता. वो हमसे हमेशा पूछते हैं मोहसिन भाई आपकी टीम में अकलियतें क्यों नहीं है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कोई हिंदू सिख कोई ईसाई प्लेयर क्यों नहीं है. यकीन करें मेरा सर शर्म से झुक जाता है. यहाँ पर इस टीम के साथ काम करने का मतलब यह है कि अपने आप को नंगा करवा देना, अपने कपड़े उतरवा देना, क्योंकि यहाँ पर फैंस भी आपके कपड़े उतारते हैं भाई. यहाँ पर खिलाड़ी भी जब उनको जब आपके साथ लगती नहीं है, आप उनके मुताबिक नहीं चलते, वो भी आपके कपड़े उतरवाते हैं. बड़ी अच्छी बात की तुमने, बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल गया तो सब कुछ बदल गया. यानी पॉलिसी कैसे चेंज हो सकती है? पॉलिसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो अथॉरिटी सबके सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की होती है. सिलेक्शन कमेटी की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो ये भी कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है खबरों में कि सिलेक्शन कमेटी को मखसूस करने के बारे में बात की जा रही है. उसमें जो 9 लोगों के अंदर जो डिवाइडेड है उसको उसके अंदर कमी पेशी करने की बात हो रही है. वहां फैसला करना है, ऑपरेशन करना है, तो जो जो चीजें गलत हैं, ऑर्गन जो जो गंदे हैं, सबको काटिए. फिर एक को ना काटिएगा, एक को काटने दूसरे को ना काटिए, ना कीजिएगा. फिर जो जो इन्वॉल्व है सबको कीजिएगा. और दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर धोया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई है जिसके वजह से हमारा इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बन रहा है. हम वहां पर स्टेडियम में कमेंट्री करते हैं और वहां पर भारतीय जो कमेंटेटर हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम पाकिस्तान वाले कितने पीछे चले गए क्रिकेट में. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वसीम अकरम अपने खिलाड़ियों को लेकर जमकर ट्रोल कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी टीम ने प्रदर्शन किया जो इस T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए. वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूँ. उन्होंने बोला कि वैसे तो मुझसे वो पूछते नहीं है, जो फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है. और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये वर्ल्ड कप में डिबेकल हुआ और जो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ उसके ऊपर बातचीत की. स्पोर्ट्स कीड़ा के ऊपर उनका वीडियो लगा हुआ है और छोटी वीडियो मगर बड़ी नपीतुली उन्होंने बातें की. उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहे हैं वो हमसे तो पूछता नहीं है और मैं शुक्र हूं कि मैं दूर हूं. उन्होंने फिर पॉलिटिक्स का जिक्र किया कि क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स है और बहुत से मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जहां पर पहुंची है. उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के पिछले आप चंद माह देख लें उसमें 3 चेयरमैन बदले हैं. रमीज राजा साहब को बदला, फिर जकार अशरफ साहब, फिर नजम शेट्टी साहब आए उनको बदला, फिर जकार अशरफ साहब आए उनको बदला, फिर अब मोहसिन नकवी साहब आ गए. इन 4 जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आए हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई क्रिकेट बोर्ड में और कोई एक पॉलिसी बनी नहीं जिसको लेकर चलता का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मामला थोड़े बेहतर रहते. हर चेयरमैन एक नए कप्तान के साथ, नई सिलेक्शन कमेटी के साथ, नए कोच के साथ आया और पाकिस्तान क्रिकेट का ये बुरा हाल हुआ. मगर फिर उन्होंने एक खास जो चेंज हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, जो मैं हमेशा कहता हूं कि चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो आज हाल हुआ वो उस चेंज की वजह से हुआ. पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया मगर एक सीरीज के लिए रखा और उसके बाद उसको बदल दिया. उस बेचारे को 1 साल तो देते, ये अल्फाज हैं उनके. सीन ये हुआ अली के, वसीम अकरम ने कहा कि मैं शुक्र करता हूं कि मैं पाकिस्तान टीम के किसी कोचिंग स्टाफ में नहीं हूं. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही थकड़ किस्म के क्रिकेट खेले हैं. उन्होंने कहा कि बहुत ही निकम्मी किस्म के क्रिकेट खेले हैं. उन्होंने कहा कि बहुत ही ये नलायक वाले क्रिकेट खेले हैं. उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि इनको बेसिक बेसिक चीजें जो नहीं पता. और बात ठीक है यार, वहां पूरे अगर आप देखो वर्ल्ड कप में वहां पर एक मजाक सा बना हुआ था. इंडियन फैंस ने बहुत ट्रोलिंग की, मैं क्योंकि वहां मौजूद था, उन्होंने बहुत ट्रोलिंग की. लेकिन इसके अलावा जो बाकी भी टीम्स थी उन्होंने भी बड़ी ट्रोलिंग की कि यार पाकिस्तान टीम क्या इतनी निकम्मी है कि सुपर 8 में नहीं जा सकती. अमेरिका और ये बांग्लादेश और आगे अफगानिस्तान आगे सुपर 8 में, पाकिस्तान नहीं है. सही बात. तो ये कितनी एम्बैरेसिंग वाली बात थी वसीम अकरम के लिए, हमारे लिए. इंडियन जर्नलिस्ट हमारे साथ अटकेलियां करते रहे, कोई दोस्त भी है बहुत सारे, लेकिन वो अटकेलियां करते रहे, मजाक करते रहे. हम शर्मिंदा थे, हमारे पास अल्फाज नहीं थे. हम क्या डिफेंड करें, हम इस टीम को क्या डिफेंड करें? अली मेरा आपसे सवाल यह कि डिफेंड क्या करें? डिफेंड आपने, इन्होंने दोस्तियां यारियां बेशर्मी की इंतहाएं की हैं. टोले एक कप्तान अगर बुजदिल होना अली तो पूरी, अगर आप उसको शेरों की फौज भी दे दो वो गिर जाती है. ऐसा ही है. इंडिया वाला मैच इतना बड़ा मैच था, इतना बड़ा मैच था अली. रोहित शर्मा खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके कप्तान डर के भाग गए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, ऐसा नहीं आए, ना मैच के बाद आए ना मैच से पहले आए. मतलब भाई जो 10 दिन जिसने टीम को ज्वाइन किए हुए हुआ है, गैरी क्रिस्टन 10 दिन हुआ है,
उसको तुमने भेज दिया कि भाई पाकिस्तान के मैच के पहले और बाद में तू मीडिया को फेस करेगा, फैंस को तू फेस करेगा, मैं नहीं करूंगा। दो तीन बातें वसीम अकरम ने की दोस्तों, मुझे भी ये लगता है कि आप जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी चेंजेस लेके आएंगे, कभी आपका सरबराह चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ ये होता है, मैं विक्रांत गुप्ता जी के साथ मैंने एक थोड़ी चिटचैट की जो मैंने पाक टीवी पे लगाई, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल गया तो सब कुछ बदल गया, यानी पॉलिसी कैसे चेंज हो सकती है, पॉलिसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो अथॉरिटी सबके सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की होती है, वही पॉलिसी लेके आता है, जो बाकी बोर्ड मेंबरान है, जो बाकी ओहदेदार हैं, वो माजरत के साथ वो डमी है, वो तो कोई मतलब किसी बात के ऊपर खड़े नहीं होते, जो चेयरमैन ने कहता वो कहता, यही सबके सब बोर्ड मेंबरान है, यही सबके सब ऑफिशियल है, ऊपर से चेंज चेयरमैन चेंज होता है, यही ऑफिशियल कहते हैं ठीक है जी तुम सही कह दी शहीन को कप्तान बना दो, जब शहीन को चेंज करने की बारी है तो वो कहते हैं हाँ नया चेयरमैन आता है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा बना दो, यानी वो रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, आप बोर्ड मेंबरान हैं, आप अप्रूवल देने के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कभी प्रेस रिलीज देख लीजिए, देख लें आप, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, गवर्निंग बोर्ड ने ओके कर दिया, एक चीज ओके की, अब वो चेयरमैन बदल गया, नया चेयरमैन आया, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, गवर्निंग बोर्ड ने ये भी ओके कर दिया, तो गवर्निंग बोर्ड कर क्या रहे, मतलब आप कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस दें ना भाई, कि एक चेयरमैन कह रहा है आपको तीन माह पहले कि ये कप्तान बेहतर है, दूसरा चेयरमैन कहता नहीं ये कप्तान बेहतर है, तो आप चुप करके सर हम तस्लीम कर लेते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, वसीम अकरम तो कह रहे हैं भाई दुनिया हंस रही है, नहीं ठीक बात कर रहे हैं ना भाई, हंस रही है दुनिया, अपने कप्तान को भी हंस रही है, दुनिया अपने कप्तान का मजाक उड़ा रही है, ये मेहरान कह रहे हैं ना कि भाई आप बाबर आजम को बोल रहे हो तो आप पता नहीं कोई एक्सक्रीडर का कोई नाम दे रहे हैं, भाई आप मुझे बताओ मेहरान क्या मैं गलत बात कर रहा हूं, क्या बाबर आजम की कप्तानी इस काबिल थी, अगर बाबर आजम की इतनी सी भी, मैं कह रहा हूं कि एवरेज कप्तानी, बिलो एक तो है ना, बिलो एवरेज कप्तान है, एवरेज से भी पूरा क्लूलेस कप्तान है, अगर ये बिलो एवरेज कप्तान भी होते ना, बिलो एवरेज पाकिस्तान सुपर एट खेल रहा होगा, क्योंकि ये एवरेज भी नहीं, ये क्लूलेस कप्तानी थी कि पाकिस्तान ये आयरलैंड से मर मर के जीता, कनाडा से मर मर के जीता, और यूएस और इंडिया से जीते हुए मैच हुआ वो हार गया, तो ये मानो कि क्लूलेस और थक्कड़ कप्तानी, अल्फाज इस्तेमाल करो, थक्कड़ कप्तानी थी। टीम अकरम तो छोड़े, बाकी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी टीम के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर इस टीम के साथ काम करने का मतलब ही है कि अपने आप को नंगा करवा देना, अपने कपड़े उतरवा देना, क्योंकि यहां पर फैंस भी आपके कपड़े उतारते हैं भाई, यहां पर खिलाड़ी भी जब उनको जब आपके साथ लगती नहीं है, आप उनके मुताबिक नहीं चलते हैं, वो भी आपके कपड़े उतरवाते हैं, और जो कसर बची होती है वो एंड पे पीसी भी जाओ आपको नंगा करके ना फिर जॉब से निकाल देता है। ये तो वसीम अकरम क्या देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जो हो रहा है इतने सालों से, तो कोई भी इज्जतदार बंदा जो है ना वो पाकिस्तानी टीम के साथ आज के दौर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बात सीधी साधी है। वो आपको तस्वीर भी आपने देखी कि मैंने बताया था आकाश चोपड़ा ने, इवन जो कॉफी थी वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की वो मशीन थी, तो मैं अभी आई था कब मेरे हाथ में था, तो आकाश चोपड़ा वो मिल्क का वेट कर रहे थे कि दूध अभी आना था, तो काफी देर हमने बातचीत वहां पर की, फिर आकाश चोपड़ा ने मुझे कहा कि रुके आप मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूं, तो आकाश चोपड़ा ने जो वो कॉफी मुझे बना के दी, फिर थोड़ी देर बाद वहां स्टीवन स्मिथ भी आ गए थे, उनसे भी फिर हाय हेलो हुई, क्योंकि खाना शाना जो भी वहां पे लगा हुआ था वो सब के लिए एक साथ ही था, कॉफी चॉफी किसी ने पीनी है तो एक साथ ही होनी है, तो वसीम अकरम वहां पर आप कह लो कि उस एरिया में ही थे, तो सारे अगर आप देखो क्रिकेटर्स वहीं पर आ रहे थे, मैं ये बात करूं कि वसीम अकरम वहां भी नजर आ रहे थे बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से। हाँ, वसीम अकरम की बात इंडिया वाले मैच के बाद बात सुने, गैरी क्रिस्टन कितने बड़े कैलिबर का कोच है, उसके आप कह लेंगे उसके जो प्रोफाइल है उसके अंदर वो वर्ल्ड कप लगा हुआ है जो उसने इंडिया को जितवाया था 2011 का, इतने बड़े कैलिबर का कोच आपने अपने साथ लगा के उसको भी आपने ऐसी क्रिकेट खेली कि उसको भी आपने सिलेक्ट करा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम और भी जितने भी पाकिस्तान के मतलब साबित क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी मेंबर हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है जिसको लेकर सभी लोग इनका मजाक बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वसीम अकरम जब वहां पर मतलब USA में कमेंट्री करने गए थे वहां पर इनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, और ये बता रहे हैं कि हमारे जो भारतीय मतलब जो कमेंटेटर साथी कमेंटेटर हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारी क्रिकेट कहाँ चली गई, कि मतलब आज सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने में इतना बड़ा मुश्किल होगा और पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी बुरी प्रदर्शन रही T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन आपको बता दें कि युगांडा के जो कप्तान हैं वो मतलब सुपर 8 में उनकी टीम नहीं पहुंची तो स्टेप डाउन कर दिए। वहीं आपको बता दें कि जो भी T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में नहीं पहुंच पाया उनके मतलब जो क्रिकेट के मैनेजमेंट है वो अपने मतलब क्रिकेटरों को लेकर काफी ज्यादा फैसले कर रहे हैं कि किस वजह से हमने हमारी टीम हारी है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की ऐसी मैनेजमेंट है जो इस बात के लिए भी मतलब राजी नहीं हो रही है कि किस वजह से हमारी टीम हारी है। लेकिन युगांडा के जो कप्तान है वो स्टेप डाउन इसलिए किए क्योंकि मतलब उन्होंने सोचे थे कि हम सुपर 8 में अपनी टीम को पहुंचा देंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं युगांडा जैसी टीम मतलब ये उम्मीद में बैठी थी कि हम सुपर 8 में जाएंगे और पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम जो अपने आप को मानते हैं पूरी तरीके से इनकी एक्सपोज हो गई टीम। लेकिन आपको बता दें कि अभी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी अपने टीम से
मतलब स्टेप डाउन किए थे कैप्टेंसी से और वो सेंट्रल कॉन्टेक्ट से भी बाहर हो गए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया कहाँ जा चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।